हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर वेंचर से रिलेटेड। ये एक शेयर है, ओके, लोग इसे पैनी स्टॉक कहते हैं। क्या एक पैनी स्टॉक है या क्यों, मैं इसके बारे में एक्चुअली मैं छोटे शेयर से रिलेटेड, जितने छोटा प्राइस होता है ना, मैं वहाँ पर कम इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। और उधर ही मैं आपको बताता भी हूँ कि आपको अच्छे शेयर्स में ही हमेशा मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हमें छोटे शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे शेयर कल कर आके बड़े हो सकते हैं अगर उनमें कुछ दम है। तो आइए उसी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज़ कल की डेट में यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आई थी, यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो आई थी, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आरती ड्रग्स में एक बहुत बड़ी जंप थी कल की डेट में 11% की। तो एक और स्टॉक है SIS, वही भाग सकता है, और बाकी सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टॉक्स थे उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज़ आपको दी गई थी, तो इन वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा। और बाकी आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ओके। एंड अगर बात की जाए, आसपास बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है, तो आप अपने सराउंडिंग में अगर जिसकी भी मदद कर पाए, दैट वुड बी गुड फॉर एवरीवन, तो आप डेफिनेटली उनकी मदद करिए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम जिस शेयर की तरफ से बात करने वाले वो है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। ₹3.05 पे शेयर दिख रहा है, और अगर आप देखेंगे, ओके, मतलब ये अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही एक दिन का ये चार्ट पैटर्न है, मतलब कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे गया, कितनी बार ऊपर गया, वो आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये बिहेव करता अभी तक आया है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पर, 2005 से कंपनी दिखाई देती है, ₹30 से शुरू होकर कंपनी 136 रुपीज़ तक गई, फिर गिरावट, फिर उसके बाद जंप, और अभी की अगर बात करें तो बिल्कुल अपने बॉटम पे, मतलब ₹3 पे कंपनी ट्रेड कर रही है आज की डेट में। तो क्या कारण है कि ये कंपनी इतनी नीचे आई, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और क्या ये दोबारा ऊपर जा सकती है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो देखिए 65% की डिलीवरी, लगभग 71,93,845 शेयर्स यहाँ पर उठाए गए डिलीवरी बेसिस पे। 70 पैसे का 28 मई को शेयर था, ₹4.25 का 14 दिसंबर को शेयर था, और आज की डेट में ₹3.05 पे कंपनी काम कर रही है। अगर हम और भी कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि हम अभी बात भी करेंगे, ओके। एंड बात कर लेते हैं जेपी पावर से रिलेटेड। तो देखिए, सब कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, तो या फिर पैनी स्टॉक एक प्राइस से नहीं, यहाँ पर हमेशा डिसाइड किया जाता है, यहाँ कंपनी से। कंपनी की वैल्यू है 2056 करोड़ रुपए की, मतलब क्या ये स्मॉल कैप कंपनी में आ गया है, ओके, पैनी स्टॉक में नहीं आए, गिनती करेंगे इसकी। और कंपनी करती क्या है उसे अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप देखिए 980 मेगावाट का 12 थर्मल पावर प्रोजेक्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में लगाया गया है इनके थ्रू। इसके अलावा और भी बात करें तो यहाँ पर देखिए 400 मेगावाट का यहाँ पर उत्तराखंड में विष्णु पराग धाम पे भी लगाया गया है प्रोजेक्ट। पावर से रिलेटेड अगर बात करें 500 मेगावाट बिना थर्मल यहाँ पर मध्य प्रदेश में टावर लगाए गए इस तरीके से। अगर हम बात करें यहाँ पर 1320 मेगावाट का यहाँ पर पावर से का प्रोजेक्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में और चल रहा है। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 1320 मेगावाट का यहाँ पर जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पर ये पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और पावर से रिलेटेड किस तरीके से शेयर भाग रहे हैं आपको ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा पता होगा, ओके, आप आज के डेट में देख ही रहे हैं। और यहाँ पर ये शेयर गिरा क्यों था, तो उससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट कैपिटल तो यहाँ पर इतनी है, ROC अभी देखिए ROE नेगेटिव में, ROC की बात करें 2% की, प्लेजिंग की बात करें 87% की यहाँ पर प्लेजिंग है। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 53% की यहाँ पर बात करें यहाँ पर डेट नज़र आ रहा है, और प्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऐसी कंपनी में ऑलवेज मैं कहता हूँ कि हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्लेजिंग मतलब प्रमोटर्स के जितने भी शेयर है उनमें से 87% यहाँ पर गिरवी रख रखे हैं। बट अगर एक स्मॉल टर्म में आपको पैसा कमाना है तो इसकी कुछ पॉजिटिविटी भी आपको दिखाई देगी। क्या है इसकी पॉजिटिविटी, तो वह भी आपके सामने आएगी। देखिए सेल्स, देखिए 701 करोड़ रुपए की सेल्स, ओके, बढ़ते बढ़ते आज की डेट में सबसे ज़्यादा सेल्स दिसंबर में यहाँ पर इन्होंने 951 करोड़ की सेल्स क्वार्टर में
करती हुई नजर आई है। और अभी अडानी पावर के आपने रिजल्ट देखे थे, कितने बढ़िया रिजल्ट थे। मतलब कंपनी नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब एक साल पहले कितनी नेगेटिव थी, उसके बाद आज की डेट में पॉजिटिविटी में ये कंपनी मतलब अडानी पावर पहुंच गई थी। अगर वो पहुंच सकती है तो क्या ये कंपनी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये भी तो पावर से रिलेटेड कहीं ना कहीं कंपनी काम करती है। बट दोनों के बीच में डिफरेंस करना बिल्कुल गलत होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था आज की डेट में, 292 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। ओके, नेगेटिव में यहाँ शो कर रहा है, जो जिसके पीछे का हम रीज़न अभी बात करेंगे। यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, ईयरली वाइज 297 करोड़ की सेल्स, यहाँ पर 3000 करोड़ रुपीज़ की सेल पिछले 12 महीने में हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग देखिए यहाँ पर 1091 करोड़ रुपीज़ का है। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर 47 का माइनस में, मतलब यहाँ पर कंपनी देखिए लास्ट ईयर में कितनी नेगेटिविटी थी, और अब देखिए कंपनी धीरे धीरे अपने आप को सुधार रही है। मतलब अगर देखा जाए अडानी पावर में भी सेम इसी तरीके से था, एक साल पहले बहुत ज़्यादा थी, क्वार्टरली वाइज बात करें तो यहाँ पर थोड़ा कम हुआ और फिर दोबारा यहाँ पॉजिटिव में कंपनी एंट्री करती हुई नजर आई। तो यहाँ पर रिजर्व्स की अगर बात करते हैं तो देखिए रिजर्व्स कंपनी के पास कितने हैं, एक साल पहले 415 करोड़ के नेगेटिव में पहुंच गई थी, अभी 3446 करोड़। बट अब यहाँ पर देखिएगा बोरिंग, तो देखिए यहाँ पर बोरिंग थी कंपनी के पास, और बोरिंग कितनी थी कंपनी के पास, बोरिंग थी यहाँ पर देखिए 22,000 करोड़ रुपए की बोरिंग, कब, मार्च 2015 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मार्च 2015 में, यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 137 करोड़ की प्रॉफिट था। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेगेटिविटी शुरू हो गई। और अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना पे किया इन 2015 में, तो देखिए 2118 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर इन्होंने क्या पे किया, इंटरेस्ट। मतलब इनकम इतनी हो रही है, एक्सपेंस इतने हो गए, इंटरेस्ट इतना पे कर दिया, तो बस इतना ही प्रॉफिट बचा। और एक बार अगर ये लोन चुक जाता तो इनका प्रॉफिट कितना होता है, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पर 130 नहीं होता और ज़्यादा होता। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें धीरे 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 करके ओके कंपनी अपनी बोरिंग कम करती जा रही है, कम करती जा रही है। और अभी की बात करें, सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, 5420 करोड़ रुपए की बोरिंग रह गई है। तो अगर हम सितंबर का डेटा यहाँ पर निकाले, तो यहाँ पर सितंबर का डेटा यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट 145 करोड़ रुपीस का दिसंबर में, और थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया था। बट अगर हम बात करते हैं पूरे 2020 में, यहाँ पर देखिए फिर दोबारा यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे किया है, 650। मतलब कंपनी धीरे धीरे अपना एक बार डेट कम कर रही है, और एक बार डेट कम हो गया ओके, अपने आप को कंपनी ने डेट फ्री कर दिया, जो कि ये कंपनी प्रयास कर रही है कि अपने आप को डेट फ्री किया जाए, डेट फ्री किया जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स एसेट, तो यहाँ पर कंपनी के पास फिक्स एसेट था 2015 में, जो कि उन्होंने बेच दिया ओके। और अभी भी इनके पास 14,000 करोड़ का यहाँ पर फिक्स एसेट है, एक बार बेच देंगे और यहाँ पर डेट फ्री कर देंगे, तो कंपनी के पास ऑब्वियसली बात है ये जो नेगेटिव में फिगर आ रही है ना अभी, वो नेगेटिव में दोबारा पॉजिटिव में चेंज होता हुआ नजर आएगा। और पावर की कंपनियाँ आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए, कंपनी अपने आप को डेट एक बार फ्री कर लेगी डेट से, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आपको भागती हुई नजर आएगी। और कंपनी इसकी तरफ प्रयास भी कर रही है, 22,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर बोरिंग करते कम करते करते मतलब 5,000 करोड़ रुपये के बोरिंग पे यहाँ पर कंपनी 5,500 करोड़ के आसपास बोरिंग के आसपास आ गई है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1,032 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कैश की बात करें, 286 करोड़ का कैश है, 500 यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल भी इन्हें मिलता हुआ नजर आया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी के पास कैश, जब से यहाँ पर कैश भी देखिए अच्छा खासा यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपीज़ का कैश भी नजर आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 26% की होल्डिंग देखिए प्रमोटर्स के पास भी नज़र आती है यहाँ पर। किसके बाद है, जयप्रकाश एसोसिएशन। FIIs की बात करें, देखिए FIIs ने भी यहाँ पर अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। DIIs ने थोड़ा सा अपने हिस्सा तक कम किया, बट DIIs के पास भी इनके हिस्सा ICICI बैंक के पास है ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक ओके, LIC, मतलब सभी के पास इन्होंने अपना, मतलब इन लोगों ने अपना हिस्सा रख रखा है। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। अगर आप सोच रहे 38 नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मतलब 12-13% यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना, लगभग 25% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास है, बाकी सारी हिस्सेदारी बड़े बड़े ग्रुप के पास है ओके, DIIs के पास है, HNIs के पास है, FIIs के पास है, और प्रमोटर्स के पास खुद है। बट हाँ, पर थोड़ा सा कॉशियस होना, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। बट प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर बात करें देखिए, जब कर्जा था 2015 में, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के पास, तब ये शेयर की प्राइस अगर हम बात करते हैं तो 2015 में कितना चल रहा था, 2015 में ये शेयर चल रहा था लगभग
अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लगभग 2015 में यहाँ पर, तो ये शेयर का प्राइस अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर भी लगभग 11-12 रुपए के आसपास चल रहा था। अब धीरे धीरे अपने आप को इन्होंने देखिए प्लेजिंग कम करी है, और प्लेजिंग कम करी है तो क्या लगता है कि ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नहीं नज़र आएगा? ऑब्वियसली ये दोबारा भागता हुआ नज़र आएगा। ओके, इसका ऑल टाइम हाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आप, मुझे तो लगता है कि ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ फ्यूचर में नज़र आएगा, तो आप इसकी तरफ नज़रें बना सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं, हाँ दो, मतलब कंपनी अपने आपको डबल, 3 रुपये का शेयर है, 6 रुपये तक तो अभी ये अपने आपको कर सकते हैं। बट अभी इन्वेस्ट करने की मत सोचिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करिएगा। बाकी अगर बात करूँ ये, एक बार इनके रिज़ल्ट आने दीजिए, एक बार इनके रिज़ल्ट आ गए तो उसके बाद हमें डिसीजन लेने में और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि एक बार रिज़ल्ट पता चल जाएगी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या दोबारा नेगेटिव में जा रही है, उससे हमें एक अंदाज़ा आ जाएगा, और आ जाए उसके बाद आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी अपनी कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड से, तो इसकी तरफ थोड़ा आप ध्यान दे सकते हैं, कंपनी मतलब आपके पैसे को डबल तो कर ही सकती है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।